वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मोरिसेप्टर्स के बारे में। कई बार अलग से जब शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है थर्मोरिसेप्टर्स पे, तो उसको कैसे आगे डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है ये मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत सारे इसमें से पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिकली दीज रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोरिसेप्टर। टेम्परेचर में कोल्ड या हॉट दोनों तरीके के आते हैं। तो किस तरीके के रिसेप्टर्स किस तरह से टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स तो पहले हैं कोल्ड रिसेप्टर्स, दूसरा है वार्म रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द डेंड्राइटिक एंडिंग्स ऑफ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। एंड वार्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन डेंड्राइटिक एंडिंग्स ऑफ सी फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में क्या आता है कि टीआर, अगर आपने हमारा पहला वाला चैप्टर जिसमें हमने नोसीसेप्टर्स के बारे में पढ़ाया था, सो नोसीसेप्टर्स में हमने आपको नॉन सेलेक्टिव आयंस की कैटेगरी बताई थी, ठीक है। तो TRPM8 रिसेप्टर्स बेसिकली आर एक्टिवेटेड बाय मॉडरेट कोल्ड एंड दिस एम रेफर्स टू मैंथॉल। और मैंथॉल क्या होता है? मैंथॉल जो मिंट होता है उसका टेस्ट होता है। जैसे कि हम पोलो खाते हैं तो मुंह में एकदम ठंडक महसूस होती है, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैंथॉल। सो कोल्ड टेस्ट। सो दीज कोल्ड रिसेप्टर्स आर इनएक्टिव एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये कोल्ड रिसेप्टर्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बट देन स्टेडिली इंक्रीज फायरिंग रेट एज स्किन टेम्परेचर फॉल्स टू 24 डिग्री सेल्सियस। तो 24 डिग्री सेल्सियस जैसे अगर स्किन का टेम्परेचर पहुँचता है ये वापस से फायरिंग लेवल पे, यानी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है एक्टिवेशन की वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ही रहती है, और हाईएस्ट फायरिंग रेट जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? फायरिंग रेट बेसिकली 24 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। देन फर्दर डिक्रीज इन स्किन टेम्परेचर, फायरिंग रेट ऑफ कोल्ड रिसेप्टर्स डिक्रीजेज अंटिल द टेम्परेचर रीचेस टू 10 डिग्री सेल्सियस। और ये जो फायरिंग रेट है ये डिक्रीज हो जाएगी जब कब तक? जब जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बिकॉज इसके बाद ये जो टेम्परेचर है ये बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली 10 डिग्री सेल्सियस के बाद दीज कोल्ड रिसेप्टर्स आर बिकम इनएक्टिव एंड दे गॉट गेव अ सेंसेशन ऑफ पेन। तो वो कोल्ड एनवायरनमेंट भी आपको पेनफुल लगने लग जाता है। दूसरे आते हैं वार्म रिसेप्टर्स, जैसे कि बताया कि प्रेजेंट ऑन डेंड्राइटिक एंडिंग्स ऑफ सी फाइबर्स। तो TRPV3 एंड TRPV4 इसमें आते हैं, तो ये MCQs में पूछा जाता है। सो दीज रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड आर इनएक्टिवेटेड व्हेन स्किन टेम्परेचर रीचेस 33 to 39 डिग्री सेल्सियस एंड 25 to 34 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अब ये जो है वार्म रिसेप्टर्स हैं और बेसिकली एक्टिवेट होते हैं जब टेम्परेचर जो होता है 33 to 39 डिग्री सेल्सियस और 25 to 34 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। लेकिन फायरिंग रेट ऑफ वार्म रिसेप्टर फर्दर इंक्रीज एज द स्किन टेम्परेचर रीचेज अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस बट बिकम्स साइलेंट। ये जो फायरिंग है इसकी ये कब स्टॉप हो जाती है? जब फर्दर स्किन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। एंड फाइनली ये एक्सट्रीम लेवल की जो वार्म है सेंसेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेन में। तो एक्सट्रीम वार्म हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो ये दोनों ही सेंसेशन जो है पेनफुल हो जाती है और उस कंडीशन में सब पर्सन को पेन फील होने लगता है। तो आई होप कि थर्मोरिसेप्टर्स से रिलेटेड ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।